अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर मिनी सुफिया, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ऑपरेशन के बाद स्कार्स बहुत अच्छे हील कर जाते हैं और कुछ पेशेंट के स्कार उभर जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनके स्कार उभर जाते हैं वो उनकी परसेंटेज कम है, लेकिन इसकी तीन वजह हो सकती है। नंबर वन कि उनकी जीन्स में ये शामिल है, इसे जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो फैमिलीज में रन करता है, इसे स्कार की लॉयड टेंडेंसी या हाइपरट्रॉफिक स्कार। नंबर टू की दफा इन्फेक्शन हो जाए तो उसे जख्म खुल जाता है, इससे वो साइडों से हील करता है, इससे भी वो उभर जाता है। और नंबर थ्री हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बर्न वाले, इनका जख्म दो हफ्ते के बाद हील करता है, उनकी स्किन उभर जाती है, वो नरम होती है तो वो सेकेंडरी हीलिंग से हील करती है तो उससे भी उभर जाती है। सो ऐसे पेशेंट्स जिनका स्कार उभरा हो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, और कई दफा अगर आपने देखा हो कई दफा कान में आप एयर प्रेसिंग करवाते हैं और इयररिंग डालने से भी कान के अराउंड एक बड़ी सी गेटी बन जाती है, कुछ लोगों के यहाँ चेस्ट पे गेटी बनती है। तो दिस इज कॉल्ड कीलॉयड एंड हाइपरट्रॉफिक स्कारिंग। इसकी वजह मैंने बताया, मोस्ट कॉमन इज कंजेनिटल या जेनेटिक रीजन। ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? सो ऐसे पेशेंट जिन्होंने सर्जरी कराई है और उनको चांस है कि उनके स्कार्स बड़े हो सकते हैं, तीन चीजें वो करेंगे तो उससे उनका स्कार्स बहुत बेहतर हो सकते हैं। नंबर वन कि उनका रेगुलर मसाज करें, किसी भी ऑयल के साथ जो घर में अवेलेबल है, लोशन है, उससे डेली प्रॉपरली मसाज प्रेस करेंगे तो उससे उनका स्कार काफी इंप्रूव हो जाएगा। डेली करना है, 3 to 5 minutes ईच एरिया करना है। नंबर टू, जब वो स्कार का मसाज कर लें तो उसके ऊपर एक जेल होती है, सिलिकॉन जेल या एक शीट की फॉर्म में भी आती है, उसे कहते हैं सिलिकॉन शीट, वो लगाने से वो कंटिन्यूसली उसको केयर प्रोवाइड करती है, जिससे सिलिकॉन के नेचर में है कि वो स्कार्स को प्रिवेंट करती है ड्यू टू डिफरेंट मैकेनिज्म। और नंबर थ्री इज कंप्रेशन, उसको प्रेस रखेंगे किसी भी चीज के साथ किसी स्कार को तो वो उभरने का चांस कम हो जाता है। तो वो प्रेस किससे कर सकते, कंप्रेशन गार्मेंट्स मिलते हैं, बने हुए गार्मेंट्स होते हैं, किसी के कहीं बर्न हुआ है या वो लग रहा है कि उभर है मांस वहां से, इसके उभर ही तो वहां पे वो गार्मेंट्स पहनने से वो ठीक हो सकता है। ऐसे पेशेंट जिनको पता है कि हमारी स्किन इस तरह बिहेव करती है, वो सर्जरी के बाद इन तीन कामों को अप्लाई करेंगे तो उससे उनका स्किन बहुत बेहतर हो सकती है। दूसरी कैटेगरी जिनके ईयर्स कीलॉयड बन जाता है, ये चेस्ट के ऊपर कीलॉयड है या बर्न के बाद बना है, उनके अंदर जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है मसाज, सिलिकॉन थेरेपी, इनके बाद इंट्रालेशनल स्टीरॉइड्स, जिसका मतलब है कि हम स्टीरॉइड इंजेक्शन लेके कैनालॉक के नाम से अवेलेबल है उसको हम डाइल्यूट करते हैं, उस चीज के अंदर लगाते हैं जो उभर गई है, इससे वो मल्टीपल सेशन के बाद बैठ जाता है। चुनाव के अंदर हमने स्टडी किया है कि अगर हम इसको एक और ड्रग है जो कि एंटी कैंसर ड्रग है 5-fluorouracil, इसके साथ अगर मिक्स करके लगाएं तो इसकी एफिकेसी डबल है। तो इसको हम कुछ पार्ट एंटी कैंसर ड्रग 5-fluorouracil का लेते हैं और कुछ पार्ट स्टीरॉयड का, अगर हम उसके अंदर लगाएं तो वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। आपको 6 to 8 times करना पड़ता है और उसके बाद आपके जो मेन इसके अंदर कंप्लेंट है कि इससे दर्द होती है, खिंचाव, इचिंग और बड़ी मुश्किल कैफियत होती है कि पेशेंट को नींद नहीं आती, वो काफी सिम्टम इम्प्रूव हो जाती है। और इसका लास्ट सोल्यूशन ये है कि हम इसके अंदर रेडिएशन थेरेपी भी दे सकते हैं, लो डोज रेडिएशन थेरेपी भी इसका एक सोल्यूशन है। और फाइनली एज ए प्लास्टिक सर्जन वी कैन रिमूव ऑल दैट एरिया एंड वी कैन रिप्लेस दैट एरिया विद न्यू स्किन, तो वहां पे नई स्किन लगा सकते हैं, इसको स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो स्किन ग्राफ्ट करने के बाद हमें वही सेम प्रिकॉशन मसाज, कंप्रेशन, सिलिकॉन थेरेपी करना पड़ता है या इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि वो स्किन दोबारा ना उभरे। सो दीज आर द समराइज्ड फ्यू पॉइंट्स अबाउट हाइपरट्रॉफिक स्कार्स एंड कीलॉयड।